नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम सेवक और पंचायत सचिव भर्ती 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से ग्राम सेवक और पंचायत सचिव के पदों पर निकाली गई बम्पर भर्तियों की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठकर के अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर बात करूं ग्राम सेवक और पंचायत सचिव भर्ती 2023 के बारे में, तो देखिए ग्राम सेवक एंड पंचायत सचिव, पंचायत सेक्रेटरी के लिए जो आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अधिसूचना पत्र 01/2023 के अंतर्गत आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए ये वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी, एंड यहां पर आप चेक कर सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों पर आपको कहां कहां पर कितनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो देखिए ग्राम सेवक के लिए 7460 वैकेंसीज आपको एक्सपेक्टेड देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में पंचायत सचिव के लिए 5051 पदों पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। सो काफी अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको ग्राम सेवक और पंचायत सचिव दोनों पदों के लिए देखने को मिल रहा है। एंड इसी के साथ में आप यहां से चेक कर सकते हैं कि इच्छुक अभ्यर्थी जो भी यहां पर इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, वो निर्देशित विभाग मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस भर्ती की लास्ट डेट से पहले पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में। तो देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भर्ती 2023 के लिए जो आपका विभाग का नाम रहेगा, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय रहेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से आपकी इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। पद के विवरण के बारे में बात करिए तो ग्राम सेवक और पंचायत सचिव दोनों पदों के लिए आपको वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेंगी, एंड टोटल पद जो आपके लिए यहां पर रखे गए हैं ये 12,541 वैकेंसीज रखी गई हैं। सो काफी अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहां पर एक्सपेक्टेड देखने को मिल रहा है। एंड आवेदन करने का तरीका आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता में जो भी कैंडिडेट अपना 10वीं क्लास पास कर चुका है या फिर अपना 12वीं क्लास पास कर चुका है, वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी rural.nic.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप इस भर्ती से संबंधित सारी अपडेट ले सकते हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो देखिए यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि ग्राम सेवक पद के लिए जो आपका शैक्षणिक योग्यता या फिर जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, इसमें 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यहां पर आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान भी आपसे मांगा गया है। एंड इसी के साथ में पंचायत सचिव पद के लिए 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी आपसे जो है स्थानीय भाषा का ज्ञान मांगा गया है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हैं, अगर आप राजस्थान से अप्लाई करते हैं तो आपको राजस्थान की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, अगर आप बिहार से अप्लाई करते हैं तो आपको बिहार की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, अगर आप हरियाणा से अप्लाई करते हैं तो आपको हरियाणा की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना बेहद जरूरी है, तभी जाकर के आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। एंड इसी के साथ में सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा, ये लिखित परीक्षा के आधार पर रहेगा, जो आपका रिटन एग्जाम रहेगा उसी के आधार पर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड इसके बाद में आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो जो भी आपका दस्तावेज सत्यापन यहाँ पर करवाया जाएगा, उसमें सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो कि यहाँ पर लिखित एग्जाम या फिर जो आपका रिटन एग्जाम है उसको क्वालिफाई करते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपको एक चीज यहाँ पर एक नोट और दिया गया कि चयनित छात्रों की अंतिम सूची या फिर जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही जो है तैयार की जाएगी, मतलब कि यहां पर आपका कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं जुड़ने वाला है। एंड इसी के साथ में दोस्तों यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं वेतनमान के बारे में कि सैलरी आपको यहां पर कितनी मिलने वाली है, तो देखिए 25,500 रुपए से 35,500 रुपए तक आपको काफी अच्छी खासी सैलरी यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। एंड यह आपका जो है 7वां वेतन आयोग आपको दिया जाएगा, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 1, 2 और 3 पर नियोजित किया जाएगा। एंड इसी के साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जितने भी अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे के सारे अलाउंस आपको यहां पर भी दिए जाएंगे। एज लिमिट आपकी जो है 18 से 40 साल रखी गई है, सो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती
के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल के, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में भी छूट प्रोवाइड की जाएगी। सो यहां पर आप सामान्य कैटेगरी के लिए जो है अपना डीओबी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और सैरिया श्रेणी के लिए भी जो है आप यहां से चेक कर पाएंगे। साथ ही में मृतक पुलिसकर्मी या राज्य कर्मचारी के आश्रित जो है आप यहां से चेक कर सकते हैं। पूर्व सैनिक के लिए भी आपको यहां पर दिया गया है कि कब से कब के बीच में जो है आपका डीओबी होना चाहिए। एंड इसके बाद में चयन प्रक्रिया जो है आपका लिखित परीक्षा के आधार पर रहेगा। आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैंडिडेट को ₹100 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी, मात्र ₹100 एप्लीकेशन फीस रहेगी। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर किसी भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन फीस को जमा कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई के बारे में कि किस तरीके से आप इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर देना। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड इसी के साथ में दोस्तों बात करते हैं ग्राम सेवक के लिए आज आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो देखिए आपसे जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा पेपर सोल्व करने के लिए और ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। 1/3 आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कंडक्ट करवाई जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों जनरल नॉलेज से आपके जो है 40 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाएंगे। करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा जो कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का रहेगा जिसमें भी आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। एंड जनरल हिंदी से आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे। एंड इसी के साथ में दोस्तों मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर जो है आपसे बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा जिसमें भी आपके जो है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के देखने को मिल जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। एंड इसी के साथ में दोस्तों यहां पर आपको एक नोट दिया गया है कि परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को पेपर में सिर्फ 33% अंक लाने होंगे, मतलब कि या तो आपको 27 प्रश्न ठीक करने होंगे या फिर जो है 66 अंक प्राप्त करने होंगे। एंड दोस्तों अगर आप इससे कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपको जो है यहां पर फेल माना जाएगा और कट ऑफ का निर्धारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। अब यहां पर आपको जो है परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है कि आपका सिलेबस यहां पर क्या क्या रहेगा। तो देखिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं आपसे पूछी जाएंगी, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपसे पूछे जाएंगे, साथ ही में भारत एवं विश्व का भूगोल आपसे पूछा जाएगा। साथ ही में दोस्तों भारतीय राजतंत्र और शासन से संबंधित आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। साथ ही में पर्यावरणीय परिस्थिति, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। सामान्य ज्ञान, बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। निर्णय लेना या फिर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। इसी के साथ में सामान्य मानसिक योग्यता भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा। एंड दोस्तों आपका जो पेपर रहेगा ये 10वीं कक्षा के स्तर पर आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहां पर सिलेबस भी बता दिया गया है कि आधारभूत संख्यन भी आपसे यहां पर पूछा जा सकता है। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब को जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।